हेलो गाइस, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। माय कुकिंग चैनल नेम इज़ कुक विद नेहा। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ मैक्रोनी पास्ता, जो आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा प्याज, शिमला मिर्च। अगर आपके पास तीनों कलर के शिमला मिर्च है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास एक ही कलर की है तो मैं यही डालूँगी। फिर एक टमाटो, और कुछ बीन्स हो तो वो भी आप डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। उसके बाद अदरक और लहसुन, और ये धनिया पत्ती जो गार्निशिंग के लिए होगा। और ये नाश्ता जो है हमारे बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है और उन्हें बहुत पसंद भी आता है। इसके लिए हम एक पतीले में पानी लेंगे और उसमें ऑयल और नमक डालेंगे, और जब ये बॉयल होने लगेगा तो उसमें ये पास्ता, मैक्रोनी पास्ता डाल देंगे बॉयल होने के लिए। ये गया इसमें सॉल्ट, एंड 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ये आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हो, मस्टर्ड ऑयल भी और रिफाइंड ऑयल भी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पानी बॉयल होने लगा है, तो हम अपनी ये मैक्रोनी इसमें डाल देंगे। आप इसे बहुत केयरफुली डालना क्योंकि ये पानी के छींटे भी आ सकते हैं इसके लिए। मीनवाइल, जब तक हमारा मैक्रोनी पास्ता बॉयल हो रहा है तब तक आप अपने वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं। मैंने इस शेप में अपने वेजीज को काटे हैं, आपको जैसे मन वैसे आप काट सकते हो। और ये अदरक लहसुन को मैंने कूट लिया है, और हरी मिर्च थोड़ी ही डाली है क्योंकि हमारे बच्चे खाएंगे जो उन्हें तीखा लग सकता है। और ये धनिया तो गार्निशिंग के लिए है, जो बाद में लास्ट में ही जाएगा। आपका मैक्रोनी पका है या नहीं इसके लिए आप इसे ऐसे कट करके देख सकते हैं, जो हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। हमारी मैक्रोनी को ओवर कुक नहीं करना है। ये देखिए, मैंने मैक्रोनी को एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है और उसे ठंडे पानी से एक दो बार धो लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक कढ़ाई फ्लेम पे चढ़ाया है और उसमें थोड़ी सी ऑयल डाली है। अब मैं ये, जब तक ऑयल गर्म होगी उसके बाद मैं उसमें डालूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हरी मिर्च। और पहले मैं इसे फ्राई करूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम अपने वेजीज डालेंगे इसमें। सबसे पहले ये अनियन जाएगा, फिर ये कैप्सिकम जाएगा, और ये बीन्स जो हम काट के रखे हैं वो जाएगा। फिर हम इसे थोड़ी देर ऑयल में सॉटे करेंगे, और ये जब हल्का ब्राउन होने लगेगा, हल्की सी ये सब्जियाँ पक जाए, इसके बाद ही हम इसमें टमाटो डालेंगे। अब इसमें हमारी फ्लेम हाई होनी चाहिए। अब हम इसमें टोमेटोज ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर भूनेंगे। इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे। ये सब्जियाँ पक चुकी हैं तो अब हम इसमें ये मैक्रोनी को ऐड करते हैं। इसको हाई फ्लेम में 2 मिनट तक कुक कर देंगे। इसमें हम डालेंगे टोमेटो केचप, जो इसके टेस्ट को और इन्हेंस कर देगा। इसमें थोड़े से सोया सॉस ऐड करेंगे, जो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है तो आप डालें, और इसे आप नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें होममेड मलाई डालेंगे, जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और इसे हेल्दी बना देगा। जब आप बच्चों के लिए बना रहे हैं कुछ और उसमें चीज़ ना हो तो कैसे मज़ा आएगा। ये देखिए, अभी इतने अच्छे से मेल्ट होगा उतना ही अच्छा टेस्ट देगा। गार्निशिंग के लिए हम इसमें धनिया स्प्रिंकल करेंगे। सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो सबके घर में रहता है ये है सीजनिंग ऑरिगेनो। हम इसे अपने मैक्रोनी पास्ता में डाल देंगे, जो हमारे मैक्रोनी को और भी टेस्टी बना देगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैक्रोनी बनने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। और आप इसे जैसे भी चाहे गार्निश कर सकते हैं, धनिया की पत्ती से और चीज़ स्लाइस से। ये आपके बच्चों को और आपके परिवार में सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता है जो आप बिना होटल गए घर में संडे के ब्रेकफास्ट में अपने बच्चों को खिला सकते हैं और उन्हें खुश कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत सारा प्यार करिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।